साथियों ठोकर खाने के बाद ही आदमी ठाकुर बनता है जब तक गलतियाँ नहीं होती ना तब तक हमें अकल भी नहीं आती साथियों वास्तु कंसल्टेंसी कोई इतना आसान प्रोफेशन नहीं है कि आपने किताब पढ़ी और शुरू कर दिया कब कब कहाँ कहाँ कितनी ड्रामेबाजी होती कितनी है कितनी समस्याएं आती हैं कहाँ कितनी उलझने आती हैं कितने टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं इसका अंदाजा तब लगता है जब हम निकलते हैं फील्ड में और एक लंबा एक्सपीरियंस लेते हैं साथियों 45, 46 इयर्स, 46 साल की एक लंबी यात्रा में कब कब कहाँ कहाँ क्या, क्या हुआ क्या गलती हुई कहाँ कहाँ पर मेरे कंपस ने मुझे धोखा दे दिया ये बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि सबसे आसान काम है दिशाएँ देखना मोबाइल से अपने फ़ोन निकालो और उसके ऊपर जो है जो आपने एप्लीकेशन लगा रखा डायरेक्शन वाला कंपास खोलो और दिशाएं देख लो काम शुरू कर दो साथियों इतना आसान नहीं है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और यह बताऊंगा कि जब यह समस्या आपके सामने आएगी तो क्या करें डॉक्टर भारद्वाज आपको देता है हमेशा समाधान और हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट ऐसी चीज आपको बताता है जो आपके काम आती है हमेशा कार साथियों मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट आप पहचानते हैं मुझे इसीलिए हैं क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए नए नए टॉपिक और जहां जहां पर आपको उलझन होती है वहां पर आपको देता हूं मैं कुछ ना कुछ सुझाव और आपको समस्या से बाहर निकालता हूँ साथियों आज का टॉपिक आप देख रहे हैं डायरेक्शन विद मोबाइल फोन मोबाइल फोन से दिशाएं देखना जितना आसान लगता है साथियों उतना ही टेढ़े खीर है बहुत टेढ़ी खीर है आज मैं आपको बताऊंगा और आज अपने घर में चेक करना ऑफिस में दुकान में मकान में फैक्ट्री में आज चेक करना जो दिशा आप समझ रहे थे ना अपने मकान की वो है ही नहीं कुछ और ही है बहुत कम चांसेस होते हैं 98 परसेंट तक गलती होने के चांसेस हो जाते हैं एक दो परसेंट को हम भी ऐसा ज़्यादा बल देते अब क्या होता है कितना कितना गलत है किसी भी जगह को मोबाइल कंपास से डायरेक्शन देखना और उसके ऊपर एक्शन ले लेना मोबाइल आजकल बहुत हैंडी है हर किसी के पास होता है चल पड़ते हैं वास्तु करने के लिए वास्तु कंसल्टेंट और मोबाइल से अपने दिशाएं देखी अगर आपका कंसल्टेंट मोबाइल से दिशा देख करके और आपको कुछ एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है वास्तु से तो समझ लेना कहते हैं माथा ठनक जाएगा तो जाना चाहिए आपका कि आपसे आज है आपको कहीं गलत एडवाइस ना मिल जाए क्योंकि उन्होंने जिस कंसल्टेंट ने देखा है उसने सिर्फ कंपस देखा अपने मोबाइल के क्यों गलती क्यों हो जाएगी ये जो कंपास होता है ना हमारे पास साथियों ये जितना आसान लगता ना इतना आसान नहीं है बहुत मुश्किल है वास्तु में स्टडी uh, करना एनालिसिस करना रेमेडी बताना ड्राइंग बनाना मैक्रो माइक्रो इंटीरियर बताना इंटीरियर का डेकोरेशन करना पूरा का पूरा छत का करना ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं जितना है जितना डिफिकल्ट है वहां पर जाके दिशा देखना और अगर आपको याद है कि आपने जो अपने घर में दिशा देखी थी तो वहां पर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अब कैसे होगा कन्फ्यूजन मैं आपसे ये शेयर करता हूँ देखिए आपने क्या किया कि आपने जो है एक अपना ये देखिए मोबाइल कंपास है कहीं का और ये क्या है मोबाइल से उन्होंने डायरेक्शन चेक करी सेवेंटी वन डिग्री पर साथियों इस जगह की जब मैंने एक्यूरेट डायरेक्शन चेक की थी जाके वहां पर के साइट के ऊपर गए साइट पर जाने के बाद में जब डायरेक्शन को मैंने चेक किया तो इस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में बहुत बड़ा फर्क था फोर्टी नाइन डिग्री थी वो जगह उन्हेंचास डिग्री पर थी जो कि मोबाइल से दिखाई पड़ रही थी सेवेंटी वन डिग्री पर अब क्या होता है गलती क्यों होती है ये भी आपको बताता हूँ होता क्या है कि बहुत बार जो है जहाँ पे हम जाते हैं उसके आसपास आपको पता है हमारा जितना एनवायरमेंट है हमारा जो वातावरण है हमारा क्लाइमेट ये सब का सब बहुत तरह के इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डेविशंस के साथ में भरा हुआ है मोबाइल फ़ोन है इलेक्ट्रिफिकेशन है बिजली की तारें हैं टीवी टावर्स लगे हुए हैं हमारे घर में टीवी चलते हैं और आई वाई चलते हैं घरों के अंदर सिग्नल चलते हैं इतना सारा रेडियो फ्रीक्वेंसी चलती है बहुत कुछ चलता है इतने चीजें चलती हैं सारा जो जो है है एनवलप हो गया हमारा पूरा पूरा का पुरा एक ऐसे फील्ड से कि मैन मेड हमने क्रिएट कर दिया एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर दिया जो कि सबल एनर्जी को यानी सॉफ्ट एनर्जी को हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है अब मोबाइल का जो हमारा कंपास होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है उसमें क्या होता है कि छोटा सा भी डिविशन राइट लेफ्ट से कहीं पर आया और वो जो है गलत दिशा दिखाना शुरू कर देता है आपने अगर चेक करना है कि भारद्वाज जी की बात को आज चेक करते हैं तो आप एक काम करना मैंने अपना इधर फेस किया हुआ है मान लिया सामने मेरे रोड पड़ती है मैंने एक कमरे में खड़े होकर अपनी डायरेक्शन चेक कर ली मोबाइल कंपास से मान लिया उसमें एक्स डिग्री आती है मान लिया फिफ्टी डिग्री यहां पर जो है कोई डायरेक्शन आ गई जब जब मैं पूरे घर में घूमूंगा देखिए नियम ये कहता है जब जब मेरा फेस और मेरा मोबाइल कंपास जो है रोड की तरफ फेस करेगा चाहे किसी कमरे में भी जाऊँ छत पे जाऊँ बाथरूम में जाऊँ टॉयलेट में किचन में कहीं भी जाऊँ तो साथियों डिग्री अगर मेरे पास यहाँ पर 53 मिली तो पूरे घर में सेम मिलनी चाहिए ना क्योंकि मेरा घर जो है फिफ्टी डिग्री पर फेस करता है मान लिया फिफ्टी टू फेस करता है या जितने डिग्री पर भी करता है थ्री पर करता है जितने भी लेकिन आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद चेक करना कि आप जैसे जैसे अपनी जगह बदलना है जैसे जैसे कमरे में गए अपने बाथरूम में गए आप किचन में जाना किचन में तो हालत खराब हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर पड़ा हुआ है एक फ्रिज और माइक्रोवेव होते हैं हमारे घर में कभी कभी हमारा जो है वाईफाई चल रहा होता है टीवी चल रहा होता है कंप्यूटर चल रहा होता है हमारे लैपटॉप चलता है हमारा कभी कभी रूम हीटर यूज़ करते हैं सर्दियों में हम लोग और गर्मियों में हम एसी यूज़ करते हैं इतना सारा का सारा एनवायरमेंट है हमारा जो कि डिस्टर्ब करता है जब आप अपने पूरे घर में घूम गए तो साथियों माथा हिल जाएगा दिमाग ख़राब हो जाएगा देख के करें ये क्या हुआ मैं तो अपने घर को नॉर्थ फेसिंग रहा था ये तो कभी नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है कभी नॉर्थ वेस्ट दिखा रहा है और मेरे साथ में ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका पर्पज़ ये भी है मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि मैं जो है एक एन में एक जगह पर गया था एक फ्लैट में गया चौथी पाँचवीं मंजिल पर गया वहाँ पर मुझे पता था ये जगह जो है नॉर्थ फेसिंग है और वहाँ पे सर मुझे क्लाइंट जब वहाँ पर क्लाइंट के पास में गया तो वहाँ पर जो है जो क्लाइंट था उसने दिखाया कि सर देखिए मेरी जगह जो है ये साउथ फेसिंग है उसने मुझे दिखाया कम से अपने मैंने कहा नहीं जेंटलमैन ये नॉर्थ फेसिंग है मैंने अपने कंपास निकाले एक कंपस यूज़ नहीं करता हूँ साथियों नेवी का होता है आर्मी का होता है मेरे पास टेली है टेलीस्कोपिक कंपास होता है मेरी घड़ी में भी आप देख रहे हैं जो घड़ी में यूज़ करता हूँ इसमें भी कंपास रहता है बहुत एक्यूरेट है ये तरह तरह के एक नहीं कई तरह के कंपास लेके चलता हूँ अगर एक कंपस धोखा दे तो दूसरा इसके अलावा मैं और भी तरीके हो, होते हैं मेरे पास बहुत अच्छा मेरे पास काफ़ी कॉस्टली मेरे पास सॉफ्टवेयर भी है जिससे किसी भी जगह की मैं एक्यूरेट डिग्री देख लेता हूँ वहाँ जाकर देखा तो दुनिया हिल गई मैंने उसको बोला एक काम करो उसको कैलिब्रेट करो पहले आप अपने फ़ोन को उन्होंने कैलिब्रेट कैलिब्रेट था फिर उसने एक्यूरेट दिशा दिखानी शुरू की लेकिन तब भी इतनी एक्यूरेट नहीं थी तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर कि अगर आपने दिशा कहीं पर देखी हुई है और आपने आपको पता चला कि यहाँ पर इतनी डिग्री है तो उसको सच मत मानना दूसरी बात ये जो अथॉरिटीज़ होती है ना साथियों ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं बहुत बार अथॉरिटीज़ का मतलब होता है जैसे कि बिल्डर होते हैं और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है सरकारी ऐसे मतलब नक्शे होते हैं बहुत सारे तहसील के होते हैं इसके उसके होते हैं वहाँ पर कुछ भी दिशा लिखी होती है कुछ भी का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा गलत लिखी होती है लेकिन उनके लिए दस बीस पचास डिग्री राइट लेफ्ट होना कोई वैल्यू नहीं रखता तो जो दिशा आपको नक्शे के ऊपर आपको अथॉरिटी से मिल रही है कहीं से मिल रही है वो एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती इसलिए आप अपने प्लॉट को जरूर चेक करो अपने घर को चेक करो अपने मकान को सबसे पहले दिशाएं चेक करो क्योंकि अगर आपने दिशा गलत देख ली तो आपकी सारी रीडिंग गलत हो जाएगी आपका वास्तु चेक करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा अब आपके मन में क्या बात आई भारद्वाज जी फंसा दिया आपने यहां नहीं देखना वहां नहीं देखना घर में देखना किचन में नहीं देखना कहां पर देखें साथियों अब मैं आपको बताता हूं बहुत आसान तरीका क्योंकि आनंद भारद्वाज आपको हमेशा समस्या से बाहर निकालता है एक आपको जो है बताता है कि आपको ऐसे करना है आपका पूरा का पूरा घर जो है एनवेलप है लिपटा हुआ है तरह तरह की एनर्जी जैसे ऊन का गोला होता है ना ऊन होती है उसी तरह से जो है लिपटा हुआ है तरह तरह की एनर्जी से अब इस ऊन के गोले से अगर आप अपने आप को बाहर निकाल लो और वहां जाके दिशा चेक कर लो तो दिशा आपकी हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट आएगी साथियों कैसे नोट कर लेना फार्मूला फोर्टी फोर डॉक्टर आनंद भारद्वाज का जो मैं करता हूँ वही आप करो मैं चाहता हूँ आप सब मेरे जैसे बन जाओ तो आपने क्या करना है आपने जो है घर के अंदर खड़े होकर दिशाएँ नहीं देखनी आपने बाहर जो रोड है जो गली है मैदान है सामने पार्क है वहाँ पर जा कर के आपने दिशा चेक करनी है ये नहीं अगर आपने पार्क सामने पार्क है आपने खड़े दिखा अगर आपने घर की तरफ आपने फेस किया हुआ है तो अगर वहां पे उसने साउथ दिखाया तो डेफिनेटली आपका जो फेस है भी साउथ में है ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते इतने वहां पर एनवलप नहीं होता बहुत कुछ के वहां पर जो आपके मोबाइल को या आपके फोन को कंपास को आपको डेवेशन दे दे एक तरीका ये भी होता है कि आप छत पे चले जाओ जब छत पे जाएंगे तब भी संभावना आपको जो है एक्यूरेट डायरेक्शन मिलने की होती है दूसरी बात सबसे अच्छे कंपास मैं हमेशा आपको बताता हूँ ये होते हैं देखिए फ्लोटिंग डिस्क जो कंपास होते हैं ये कंपास बहुत अच्छा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर एक निडल लगी होती है आप देख रहे हैं ये निडल लगी हुई है इसके अंदर ये जो नीडल है ये नीडल क्या है इसकी मजबूरी है कि मतलब ये हमेशा नॉर्थ दिखाएगी दिखाएगी और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जल्दी से डेविएट नहीं होती एक और मैंने आपको दिखाया था अभी एक और कंपास ये देखिए बहुत आसानी से मिल जाता है इसको आमतौर पे वैसे आर्मी का कंपास बोलते हैं पर ये भी दिशा में गलती नहीं करता पर एक बात एक मान लेना मोबाइल से तो दिशाएं देखना बंद कर दो साथियों आज की बात मोबाइल से दिशाएं देखना बंद कर दो जिसको सबसे आसान मान रहे थे ना वही सबसे डिफ़िकल्ट हो गया साथियों इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ना जो जिसको हम दुनिया में बहुत सी चीज़ें को आसान लगता है ना हमें जो चीज़ें जितनी आसान लगती हैं उतनी ही ज्यादा कई बार कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ठोकर खाने के बाद ही आदमी ठाकुर बनता है अगला वीडियो बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ आपके पास आने वाला है और उसमें आपसे शेयर करूँगा आपके काम की बातें क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको वहां लेकर जा रहा हूँ उस मोड पर लेकर जा रहा हूँ जहां से आप अपना अपने घर का पड़ोसी का अपने मित्र का अपने रिश्तेदार का भला करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी इस अपने सांस्कृतिक जो हमारी कल्चरल हैरिटेज है हमारी इस विरासत को अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र करना है ताकि कोई भी ना फंसे वहम में और कोई भी ना करे अंधविश्वास अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त नमस्कार धन्यवाद थैंक यू एंड टेक केयर